ਅੱਖ ਚੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। बात करते हैं, शायद विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लाइव आए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को आने के लिए। शायद कुछ और थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ लोग आएंगे। तो राजेश अग्रवाल जी आ गए हैं। राजेश अग्रवाल जी कैसे हैं? राजेश भाई, रघुवीर सिंह राठौर जी आ गए हैं, मोहन सिंह आ गए हैं, मोहन भाई कैसे हैं? मोहन सिंह चौहान जी, और क्या हाल चाल है? इम्तियाज बेग जी आ गए हैं। कुछ लोग और आ जाएं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तरुण गोस्वामी जी आ गए हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एयर ड्रॉप के ऊपर, कि जो हमने एनालिसिस किया इतने टाइम के बाद में कि बहुत ही कम लोग क्लेम कर पा रहे हैं अपने एयर ड्रॉप का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मोहन भाई, फैमिली अभी सब बढ़िया है? कैसा चल रहा है सब फैमिली का माहौल? अभी जस्ट शादी आपकी हुई है और सब बढ़िया है? राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। इम्तियाज जी, इम्तियाज बेग कैसे हैं? अभी 5-6 लोग आए हैं, थोड़ा सा और 5-10 लोग हो जाए तो अपने स्टार्ट करते हैं। शंकर ज्वाइन हो गए हैं। रघुवीर सिंह, हेलो सर, बहुत दिन के बाद। रघुवीर भाई वास्तव में काफ़ी दिन के बाद में था, बट हम लोग एयर ड्रॉप के ऊपर और बाकी काफ़ी चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा टाइम लग रहा था और कुछ इलेक्शन वगैरह भी थे और कुछ काम, दूसरे काफ़ी काम थे जो बैकएंड से कर रहे थे। तो आज हम लोग एयर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओनली सिर्फ 40,000 लोगों ने ही अभी तक क्लेम किया है अपना एयर ड्रॉप। तो क्योंकि हमें वो एयर ड्रॉप का जो चैप्टर है वो क्लोज करना है बहुत जल्दी, और एक बार सबके एयर ड्रॉप क्रिएट हो जाएं और आप विड्रॉल कर लें उसको, तो फिर वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शंकर भाई बिल्कुल मजा में साहेब, 100% मजा में। आप कैसे हैं? गुड गुड। मोहन भाई सब बढ़िया, ऊपर वाले का, ऊपर वाला तो सबसे बड़ा वो है, टाइम लगता है बट सब बढ़िया होता है। शंकर भाई मैं बताया जैसे कि थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं मैं लाइव आ पा रहा था, और तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, लोड ज़्यादा था। रमेश कुमार जी आ गए हैं, आलम शाह जी आ गए हैं, मेहुल भाई, बानो प्रकाश जी आ गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर ड्रॉप के बारे में। जो भी एयर ड्रॉप है बेसिकली, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिन जिन लोगों को हैवी रेट में कॉइन परचेज किए हुए थे, दो बार हमने ऐसा किया है जिन्होंने कॉस्टली परचेज किए हुए थे बट वो रेट ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था किसी भी कारण से, तो हम लोगों ने एयर ड्रॉप सबको दिए हुए हैं। और एयर ड्रॉप जो दिए हैं वो मोबाइल नंबर को हमने एक यूनिक आइडेंटिटी माना है कि उनका कितना उन्होंने कॉइन परचेज किए हैं, कहाँ से परचेज किए हैं, किस रेट से परचेज किए हैं, और उसमें उनको प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो आप सब लोग अपने अकाउंट को एक बार चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद में जो भी डिफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत डिटेलिंग में बताऊंगा आज आपको इसके बारे में, कि आपने मान लीजिएगा 100 रुपए के हिसाब से कॉइन परचेज किया है और जिस दिन हमने एयर ड्रॉप डिसाइड किया था उस दिन 1 रुपए का भाव चल रहा था, और 1 रुपए के हिसाब से जो भी आपका मास्टर आईडी है या जितने भी आपके अकाउंट हैं उस अकाउंट को मर्ज किया हमने मोबाइल नंबर को यूनिक मानते हुए, कि एक मोबाइल नंबर आपका यूनिक रहेगा और उस यूनिक मोबाइल नंबर पे जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमने जनरेट किया है, और जनरेट करने के बाद में जो भी आपका अगर लॉस आया है तो उस लॉस के इक्वल ही आपने आपको एयर ड्रॉप इशू किए हैं, और एयर ड्रॉप 5-6 कॉइन में इशू किया है, तो आप वो सारे कॉइन आप विड्रॉल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितना भी लोगों का लॉस है वो उसके अंदर पूरा रिकवर हो रहा है, मीन्स रेट के हिसाब से। ये मेरा एक पर्सनली सोचना था कि सबको, कोई भी कस्टमर्स जो है वो परेशान ना हो हमारे यहाँ से, या वो फील ना करें कि उनको लॉस हो गया है, और उस तरीके से हम लोगों ने सब लोगों को एयर ड्रॉप प्रोवाइड किया है। अब उस एयर ड्रॉप के अंदर क्योंकि ये फैक्ट बात है कि सब लोग सेल करने आते हैं, और जैसे जैसे कॉइन यमी है, बिट फूडी है, दूसरे कॉइन है, स्टू कॉइन है, ये सारे कॉइन लोग एक्सचेंज पर लेके जा रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्सचेंज पे कॉइन रजिस्टर्ड है,
तो सब लोग सेल करने आते हैं तो लोड भी ज़्यादा रहता है, सेलिंग पैसा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मेरी एक पर्सनल सलाह है कि लोग सेल ना करें इस कॉइन को। हाँ, ट्रस्ट वॉलेट में ज़रूर रखें। जैसे मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप क्योंकि हमारा जो ये सारे कॉइन हैं, जितने भी हमारे टोकन्स हैं, ये सारे के सारे डिपेंडेंट हैं या ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो ईथर स्कैन का टेक्नोलॉजी है। तो आप सब लोग ईथर स्कैन के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट करके आता है, वो ट्रस्ट वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे कॉइन, वो ATC हो, अरेस्टो हो, बिटकॉइन हो, कोई भी कॉइन है, आप ट्रस्ट वॉलेट पर जितना आप उसको रखेंगे उतना सेफ रहेगा। किसी भी एक्सचेंज का उतना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ग्लोबली कि अच्छे से बड़े एक्सचेंज, जैसे मैंने देखा कि बड़े से बड़े एक्सचेंज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, बाद में काफ़ी तकलीफ होती है। तो आप अपनी जितनी भी आपकी एसेट्स है उसको ट्रस्ट वॉलेट में आप रखें, वो एयर ड्रॉप कॉइन हो या दूसरे कॉइन हो, और उसी तरीके से आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं और लोग कुछ आ जाए, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। धर्मेश भाई कैसे हैं? धर्मेश भाई, जैसे शायद आप डिस्कशन, शायद आप न्यूजीलैंड में हैं आजकल, और आप समझे होंगे इस चीज़ को कि जो भी ये एयर ड्रॉप है, ये एयर ड्रॉप हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सबको, कोई चार्ज नहीं लिया है। बट हमारी जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है, और इंडिया में सबसे बड़ा यूज़र डाटाबेस आज ATC कॉइन और क्रिप्टो इनबॉक्स का है। तो हमने उस चीज़ को, यूनिटी को, कम्युनिटी को बहुत बड़ा करने के लिए एयर ड्रॉप दिए हैं, जिनका नुकसान हुए हैं, जिसमें लॉस हुए हैं। लॉस तो नहीं कहेंगे कि जिन्होंने हाई रेट पर परचेज किया और रेट अप नहीं हो पा रहा है, तो शायद हमने उनको उस गैप को कंप्लीट करने के लिए एयर ड्रॉप दिए हैं सबको, जो एक मेरी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो शायद आप समझ गए होंगे एयर ड्रॉप के बारे में। आलम शाह जी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक गायब हुए हैं। आलम जी, ऐसा नहीं है, पारो एक्सचेंज से कोई कॉइन गायब नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आप कस्टमर केयर में कॉल कीजिएगा, आप अपना टिकट जनरेट कीजिएगा, मैं खुद चेक करूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के भी कॉइन गायब हो जाए। तो सो आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा और आप लिख दीजिएगा, टिकट जनरेट कर दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आजाद भाई कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया आजाद भाई। भानु प्रकाश जी बहुत दिन के बाद मिल पा रहे हैं। अब पुष्पेंद्र भाई कैसे? पुष्पेंद्र भाई, मोहम्मद अरशद भाई, नंद किशोर अग्रवाल जी, रेणु श्रीवास्तव जी, गोरख सुतार जी, नितिन भाई क्या हाल चाल है? गोरख जी, भानु प्रकाश, दिल्ली का ऑफिस चेंज हुआ है? हाँ, दिल्ली का ऑफिस चेंज हुआ है, हम उसको अपडेट करा देंगे, क्योंकि बड़ा साइज ऑफिस था तो उसी के बाजू में एक छोटा ऑफिस लिया है। तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं दिल्ली ऑफिस में, और वहाँ पे हमने नए एड्रेस चेंज की स्लिप लगाई हुई है, जो पुराने ऑफिस है वहाँ पे आपको नए ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। धर्मेश भाई कैम्सो साहब, धर्मेश भाई पटेल, धर्मेश भाई गायब थे क्या भाई? धर्मेश भाई है, धर्मेश भाई शाह 100% याद है, मैं ऐसा भूलता नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। न्यूजीलैंड आप गए थे, गुजरात से हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। मोहन सिंह जी क्वेश्चन कर रहे हैं, काइंडली एक्सप्लेन हाउ पीपल कैन रिकवर देयर अकाउंट दोज फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड, काइंडली गिव मी द सम आइडियाज। मोहन भाई, बेसिकली जिन जिन लोगों के यूजर, दो हमारे वहाँ पे साइट चल रही है, ओल्ड और न्यू करके, आप ओल्ड में जाएंगे तो आप वहाँ फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और इनकेस अगर कोई तकलीफ आती है तो ईमेल लिख सकते हैं info@thecryptoinbox.com के ऊपर, वहाँ से भी हम आप सपोर्ट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद में। तो जिन जिन लोगों के यूजर नेम पासवर्ड नहीं है वो भी उसको रिकवर कर सकते हैं। विष्णु गुप्ता जी कह रहे हैं, आगे की प्लानिंग भी कुछ करो। विष्णु जी, बेसिकली फैक्ट बात तो ये है कि हम दो चीज़ के ऊपर थोड़ा वर्किंग कर रहे हैं। एक तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग जो भी इंडिया का कायदा कानून है, जो भी लॉ है, उसके हिसाब से चलते हैं, और जो भी लॉ हमसे कहेगा आगे, कि जैसे न्यूज़ में सुनने को आ रही है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना डेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से वॉलेट इंडस्ट्रीज में हूँ, तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं
कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग आती है, क्या गाइडलाइन आती है, या सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्योंकि जो भी हमारे क्रिप्टो लवर्स हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बेसिकली सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और आने वाला भविष्य है इस चीज़ का, लेकिन कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे प्लानिंग करना है, जो भी गाइडलाइन आएंगे उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। वैसे जो हमारा एक्सचेंज है, जो कॉइन है, वो ऑलरेडी यूके में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो शायद इंडिया के कानून हम पे नहीं एप्लीकेबल होते हैं। फिर भी हमारे जो यूजर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं, ग्लोबली भी यूजर्स हैं, तो उनके हित को देखते हुए हमें सोचना पड़ता है कि हम किस पॉलिसी के हिसाब से और किस तरीके से वर्किंग करेंगे उसके ऊपर। गिरीश अग्रवाल से मिल गए हैं। अरे गिरीश भाई कैसे हैं, बहुत दिन के बाद शायद देखने को मिल रहा है। अजय शर्मा जी हैं, अल्ताफ भाई, नितिन जी कह रहे हैं क्रिप्टो बैन इन इंडिया। बेसिकली नितिन भाई, कोई अभी तक ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है इंडिया के अंदर जहां पे सब गवर्नमेंट ने बैन किया हो किसी भी तरीके से, बट हाँ ये सुनने को जरूर आ रहा है। बट ये मैं कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है तो गवर्नमेंट कैसे गाइडलाइन पब्लिश कर सकती है, और उसके जो भी गाइडलाइन अथवा कोई भी अगर लॉ बनता है तो वो पार्लियामेंट में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, कैबिनेट में पास होता है, देन उसके बाद में उसका प्रोसेस होता है, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इतने जल्दी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई प्रावधान आ पाएगा। जो भी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के लॉ हैं या जो भी कानून है, उस कानून के हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं, और बाकी के अंदर अभी मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की पोजिशन आए। बट सो आई थिंक गवर्नमेंट से तो हम लोग सब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव गाइडलाइन इसके ऊपर लाइए, क्योंकि भविष्य बहुत बढ़िया है, बट कोशिश करेंगे कि अच्छी गाइडलाइन इसके ऊपर बने। विकास अग्रवाल जी, आजाद जी कह रहे हैं कि आप राइट वे में हैं, बट आजाद जी कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम की वजह से आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते हैं। आजाद भाई बेसिकली आप बहुत सही कह रहे हैं, कुछ टेक्निकल कमिटमेंट हैं, कुछ फाइनेंशियली कमिटमेंट हैं, और जैसे आपको मालूम है कि अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से ऑफिस चलाना, पूरा सिस्टम रन करना बहुत तकलीफ वाला होता है। फिर भी क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाला जो भविष्य क्रिप्टो के लिए इंडिया में ना सही लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा मार्केट है, और क्योंकि मैं पहले भी ऑस्ट्रेलिया, यूके और काफ़ी कंट्री में बिजनेस कर चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से बिजनेस को हमें आगे लेके जाना है। और ये फैक्ट बात है, ऑफशोर कंपनी होती हैं, आज की डेट में अगर इंडिया के लोगों को हम सिर्फ ग्लोबली वर्क करना सिखा दें तो एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो सकता है। कबीर चाना जी, कबीर भाई कैसे हैं? अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने एयर ड्रॉप नहीं मिला है। अजय शर्मा जी, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद 48 आवर्स में आपके अकाउंट में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और वहाँ पे स्टेटस में अगर पी है तो प्रॉफिट में, तो जिनका पी लिखा आएगा उनको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, जहाँ पे एल लिखा आता है उनको एयर ड्रॉप क्रिएट हो जाता है इक्वल अमाउंट का, जो भी अमाउंट उनका लॉस हुआ है। रोहन भाई कैसे हैं? रोहन भाई, यशबीर सिंह बैसला जी हैं, शंकर भाई कह रहे हैं कि एटीसी विड्रॉल चालू है। एटीसी विड्रॉल अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया है, क्योंकि एयर ड्रॉप का हम वेट कर रहे थे कि सबको एक बार मिल जाए, इसलिए मैं आज लाइव आया हूं कि सब लोग अपने अकाउंट को एक बार लॉगिन करें तो आपको एयर ड्रॉप उसके अंदर मिल जाएगा। आपकी डाउनलाइन को बोले, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बोले कि उसको लॉगिन करें और एयर ड्रॉप आपको उसमें मिलेगा, क्योंकि एयर ड्रॉप ना मिलने की वजह से, एयर ड्रॉप लॉगिन ना करने की वजह से जो हमारा प्रोसेस है फ्यूचर का वो थोड़ा डिले हो रहा है। तो सो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा लोग अपना अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करें तो आपको एयर ड्रॉप उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। मिलिंद जी कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट का क्या हुआ। मिलिंद भाई, अभी तक बैड न्यूज ये है कि अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें काम करने में काफी तकलीफ हो रही है, बट जैसे ही अकाउंट ओपन होंगे तो काफी अच्छा मैं आपको प्रॉपर सर्विस, जो मेरा कमिटमेंट है सर्विस देने का, वो मैं कर पाऊंगा। आजाद जी कह रहे हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए फाइनली कोई कुछ कमिटमेंट करे। आजाद जी, मैं ऑलरेडी अभी टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूँ, वो शायद उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लाइव होगा तो आपको लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि पारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज कराओ, जैसे यूजर मूव हो गया वैसे एक्सचेंज का। ये फैक्ट बात है कि सब लोग अगर पारों के ऊपर बहुत स्मूथ पारों का चल रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल और सर्विस बहुत बढ़िया है, तो आप अगर ट्रेडिंग उसके ऊपर करेंगे तो बट नेचुरल है कि जो हमारा टारगेट है कॉइन मार्केट कैप पे उसको लिस्ट कराने का पारों को, तो बहुत जल्दी वो लिस्ट हो जाएगा। तो आप सब लोग पारों पर ट्रेडिंग करें तो आई थिंक अच्छा रहेगा। रोहन भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं रोहन भाई? हाँ चंद्रेश भाई कैम्प्टो साहब, चंद्रेश भाई यूके थी थे, जय सुमन चंद्रेश भाई। बस थोड़ा एक काम थी जाए तो पची हमें लंदन आई है तमें मलवा और वर्कआउट भी करिए। यूके में तो ऑलरेडी क्रिप्टो लीगल छे, बाकी कंट्री में लीगल छे, बट अत्यारे सॉरी मैं चंद्रेश भाई हमारे लंदन से हैं तो मैं गुजराती में बात कर रहा हूँ उनसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आता है कि अभी चंद्रेश भाई लीगल हो जाएगा तो काफी अच्छा बिजनेस का मूव होगा, कोशिश कर रहे हैं। अनुज कुमार जी कह रहे हैं कि नो वॉइस, वॉइस बराबर मिल पा रहा है? सो आई थिंक मेरे हिसाब से वॉइस प्रॉपर आ पा रहा है सबको। आपने मोबाइल नंबर के हिसाब से पकड़ लिया है, जबकि मोबाइल नंबर तो हमने इसलिए एक ही दिया था कि एसएमएस ही नंबर पे, जबकि आईडीज रिलेटिव्स के। मनोज भाई जिन जिन लोगों की ऐसी समस्या है उनको हम पर्सनली, क्योंकि मैंने देखा था हमारे 98% मोबाइल और वो यूज़र सिंपल थे, इसलिए हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि एक मोबाइल एक यूज़र काउंट करें। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि किसी ने 10 अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो 10 अकाउंट, मेरा ये मतलब नहीं था इस चीज़ के लिए, मेरा ये मतलब था कि लोगों को किसी भी तरीके से मैं प्रॉफिट कराऊँ, और ये आइडेंटिफाई इसलिए मोबाइल नंबर लिया कि एक अकाउंट अगर 10 खोल रखे हैं तो वो अच्छा नहीं था कि एक में प्रॉफिट हो रहा है 19 में अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान मेरे को दे दो, प्रॉफिट भी मेरे ही, और वो इस वजह से मैंने एक उसको लिया है। चंद्रेश भाई जय सोहन भाई साहेब, चंद्रेश भाई यूएस, अरे सरस साहेब आइए तमें पहुंचो हमें पची यूएस आई तुम्हारे जोड़े जोड़े। एक्सचेंज राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक्सचेंज सर्विस गुड है लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, ये फैक्ट बात है। जो पारो का एक्सचेंज है बहुत ही अच्छा बन गया है, और टेक्निकल वाइज कहूँ मैं या परफॉर्मेंस वाइज कहूँ तो आज काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर से उसमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, और एक्सचेंज भी काफी अच्छा बनाया है, और भी कुछ फंक्शन उसमें ऐड करें जैसे मार्जिन ट्रेडिंग है, पी टू पी है, जी डी एस है, वो स्टेप बाई स्टेप लाइव करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है और उसका भी कारण आप सब लोगों को मालूम है टाइम लगने का, कि जो फाइनेंशियली बैंक अकाउंट फ्रीज है तो वो सबसे बड़ा रीजन है, दूसरा और कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है। शायद वो भानु भाई उनको आवाज बराबर नहीं आ रही थी मिस्टर कौशिक को, शायद उसकी वजह से होगा। पराग भाई कैम्सो साहब, पराग भाई जानी हमारी टेक टीम के अकाउंट्स देखते हैं, तो शायद सो आई थिंक आप सब लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एक जो एयर ड्रॉप है आप सब लोग लॉगिन कर लें एयर ड्रॉप, और लॉगिन करने के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है वहाँ क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपके लॉस अगर आपको दिखाता है तो आपको जो भी अमाउंट है वो उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, और आप उनको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। सुदीप भाई जरूर मिलेंगे, मैं शायद सूरत आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, तो अपन सूरत मिलते हैं, काफ़ी हमारे मित्र हैं सूरत में और कस्टमर्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मीटिंग किया जाए उन सब लोगों के साथ में और मुलाकात करके डिस्कस किया जाए। तो सो आई थिंक आज मेरा जो टॉपिक था, और किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर है जो शायद लाइव नहीं आ पाए हैं तो मेरे चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उनको रिप्लाई दे पाऊंगा। और सो आई थिंक इंडिया में क्रिप्टो अच्छी पोजीशन पे आए, और जिससे क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अच्छा बेनिफिट ले सकें और फ्यूचर के लिए, ये फैक्ट बात है। थोड़ा टाइम लग रहा है गवर्नमेंट को, इलेक्शंस हैं या दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट में डिले हो रही हैं, तो जल्दी उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो ऐसा आई थिंक थैंक यू, थैंक्स लॉट, शुभरात्रि। आज मुंबई में इलेक्शन है तो शायद रोड बहुत क्लियर हैं, और आज स्टाफ भी बहुत कम आया है, तो आज मैंने देखा कि चलो सबसे बात की जाए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, एटीसी के लिए, क्रिप्टो के लिए,
मैं जिया हूँ क्रिप्टो के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ क्रिप्टो के लिए, मेरा अंदर से मैं जानता हूँ चीज़ को बहुत बड़ा एक सोच है कि अच्छी पोजीशन पे क्रिप्टो आए और लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू, थैंक्स लॉट।